स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद वैसे तो किसी न किसी बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते ही, लेकिन आज सुर्खियां तब बनने लगी जब अचानक एक बेकाबू ट्रक इनके घर में घुस गया। बेकाबू ट्रक घर में घुसा तो घर में कोहराम मच गया। सवाल उठने लगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इस हादसे के पीछे गलती किसकी है, इस हादसे में किसी को चोट तो नहीं आई, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो आज 3 मिनट के इस वीडियो में हम आपको पूरी पड़ताल करके बताएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ, इस हादसे में किसको क्या नुकसान पहुंचा और आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जितिन प्रसाद की अगर बात की जाए तो जितिन प्रसाद कुछ समय पहले तक कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के सिपाही थे, राहुल गांधी के वफादार थे, प्रियंका गांधी के सर्वेसर्वा थे, लेकिन अचानक कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो उसके बाद बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आए तो फिर मंत्री का ओहदा मिल गया और मंत्री का ओहदा मिला तो फिर हर रोज किसी न किसी कवायद को लेकर, हर रोज किसी न किसी बयान को लेकर सुर्खियों में रहने लगे। वैसे तो जितिन प्रसाद लखनऊ में रहते हैं क्योंकि मंत्रालय का कामकाज इन्हें देखना होता है, लेकिन शाहजहांपुर से भी इनका ताल्लुक है, शाहजहांपुर से ये ताल्लुक रखते हैं और शाहजहांपुर में कचहरी के पीछे इंदिरा नगर में इनका मकान बना हुआ है, मकान या कहिए या फिर कोठी बनी हुई है। इस कोठी के पास एक तीखा मोड़ है, उसी मोड़ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं और इस बार जो हादसा हुआ उसमें निशाना बन गई मंत्री महोदय की कोठी। ये बेकाबू ट्रक अचानक तेज रफ्तार में आया और कोठी की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही ट्रक अंदर दाखिल हुआ तो उसके बाद हल्ला मच गया कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। ड्राइवर को पकड़ा गया और ड्राइवर से भी पूछताछ की जाने लगी, साथ ही यह भी तलाशा जाने लगा कि घर के अंदर जो लोग थे उनको तो चोट नहीं आई है। हालांकि इसकी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि किसी को चोट आई है या नहीं, लेकिन बेकाबू ट्रक की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस हादसे के बाद मंत्री महोदय का एक्सप्रेशन क्या है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंत्री महोदय खड़े हुए। जितिन प्रसाद की कोठी में जब ये ट्रक घुसा तो उसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे, हादसे की वजह तलाशी जाने लगी, लेकिन हादसे में किसी और की गलती नहीं बल्कि ड्राइवर की गलती है। वो तेज रफ्तार से आ रहा था और इसीलिए वो ट्रक को काबू नहीं कर पाया और काबू ना कर पाने की वजह से ट्रक मंत्री महोदय के घर में घुस गया। हालांकि यह हादसा रात को हुआ इसलिए किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है और ना ही किसी को चोट लगने की खबर है। लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा दिन में होता तो यहां पर रोज जो आने जाने वाले लोग हैं उनको चोट आ सकती थी, क्योंकि मंत्री महोदय का घर है तो उनके घर पर अक्सर कोई ना कोई फरियादी आता रहता है या फिर उनसे मिलने वाले आते रहते हैं। ऐसे में दिन में अगर यह हादसा होता, यह ट्रक दिन में इनके घर में घुसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था और किसी की जान भी जा सकती थी। ऐसे में लोगों का कहना है कि मंत्री महोदय का यहां से ताल्लुक है और इस तिराहे पर हमेशा हादसे होते रहते, इस मोड़ पर हमेशा हादसे होते रहते हैं, ऐसे में मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से इंतजाम करने चाहिए ताकि दोबारा से इस तरीके का हादसा पेश ना आए। फिलहाल मामले पर तफ्तीश जारी है, ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है कि कहीं उसने नशे में तो ऐसा नहीं कर दिया, लेकिन मंत्री महोदय का अभी कोई भी इस पर बयान सामने नहीं आया है।